हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास सेवेंथ की यूपी बोर्ड इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 1, जो कि एक पोएम है, द स्विंग, पढ़ाएंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सो हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग? तो सबसे पहले आपको स्विंग का मतलब पता होना चाहिए। स्विंग का मतलब होता है झूला। अब हम स्टार्ट करते हैं। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग? तुम्हें झूले पर बैठना, झूले पर घूमना कैसा लगता है? अप इन द एयर सो ब्लू, जब हम लोग ऊपर की तरफ उठते हैं, यानी झूला कोई हमें जैसे कोई धक्का देता है, हम खुद ही ऊपर जाते हैं, तो आकाश की तरफ हमारा मुंह हो जाता है और आकाश कैसा होता है? नीला। यहाँ ब्लू से मतलब है आकाश की तरफ या आसमान की तरफ। ओह, आई डू थिंक इट इज़ द प्लीजेंटेस्ट थिंग। ये सबसे खुशी देने वाली चीज़ होती है सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में। एवर अ चाइल्ड कैन डू, और कभी ना कभी कोई बच्चा इसे करता ही है। चाहे हम बहुत कम झूले हों, लेकिन झूले तो होंगे ही ज़रूर कहीं ना कहीं। अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल्स, हवा में ऊपर झूलना कितना अच्छा लगता है। एंड ओवर द वॉल्स, और दीवारों से ऊपर उठना, यानी हम केवल एक चार दीवार में बंद ना रह के ऊपर की तरफ उठे, यानी प्रोग्रेस हो हमारी। टिल आई कैन सी सो वाइड, ताकि हम वाइड यानी बहुत दूर तक देख सकें। रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल्स एंड ऑल, क्या क्या देखता है पॉइंट ऊपर उठ के? रिवर्स यानी नदियाँ, ट्रीज़ यानी पेड़, कैटल यानी जो दूध देने वाले एनिमल्स होते हैं उन्हें कहा जाता है कैटल। ओवर द कंट्री साइड, ये आपके लिए न्यू वर्ड होगा। तो कंट्री साइड का मतलब होता है गांव वाला एरिया। ये कंट्री है तो उसके साइड में ही होता है ये एरिया गांव का। तो इस साइड वाले एरिया के जो डार्क है, ये किसी भी कंट्री के, इसे कंट्री साइड एरिया बोला जाता है, यानी गाँव वाला एरिया, विलेज एरिया। टिल आई लुक डाउन द गार्डन ग्रीन, और नीचे क्या दिखती है? हरी हरी घास। डाउन टू द रूफ सो ब्राउन, और छत के नीचे बहुत ब्राउन ब्राउन दिखता है। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, और हवा में मैं बार बार झूला जा रहा हूँ। मान लीजिए ये झूला है उनका, तो पॉइंट इस पर ऐसे बैठे हुए हैं, और वो जब ऊपर जा रहे हैं तो वो ऊपर दिखा रहे हैं कि आसमान दिख रहा है मुझे, नीचे क्या दिख रहा है? हरी हरी घास दिख रही है, और जो सामने की तरफ वॉल है, वहाँ वो रूफ है, छत है ऊपर, वो कैसी दिख रही है? ब्राउन ब्राउन। तो ये कहना चाह रहे हैं पॉइंट। नाउ अप इन द एयर एंड डाउन, और मैं क्या कर रहा हूँ? हमें ऊपर और नीचे, यानी इसमें केवल ये दिखाया गया कि पॉइंट झूला झूल रहे हैं तो वो क्या क्या देख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए इसका कंक्लूजन ये है, यानी अंत ये है कि जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये झूले पर बैठे हैं अपने, और जब ये ऊपर की तरफ जाते हैं तो इन्हें क्या दिखता है? आसमान नीला नीला, और नीचे की तरफ क्या दिखती है? हरी हरी घास। और जो इनके ऊपर दीवार होती है, मतलब कुछ दीवार से अटैच होता है, मान लीजिए इनके झूले की जो रस्सी है वो ऐसे दीवार से ऊपर छत से अटैच है, तो इधर की तरफ इन्हें क्या दिखता है? हर वो ब्राउन ब्राउन रूफ। ओके, सो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स। हाउ डज द चाइल्ड फील अबाउट द स्विंग, बच्चे को स्विंग के बारे में कैसा फील होता है? इट इज़ द प्लीजेंटेस्ट थिंग, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डज द पॉइंट सी इन द कंट्री साइड में क्या देखता है? गांव वाले एरिया में क्या देखता है बच्चा? तो ये देखता है रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल्स एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट डज द चाइल्ड सी गोइंग डाउन द स्विंग, स्विंग यानी झूले से नीचे आकर क्या दिखता है उसे? हरी हरी घास। टिल आई लुक डाउन द गार्डन
ग्रीन यानी क्या कहीं आप केवल ये लिखेंगे ही सॉ, देखिए मैं लिख देती हूँ क्या दिखता है, ही सॉ ग्रीन गार्डन, आप इसे लिख लें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। राइमिंग वर्ड्स फ्रेंड्स, राइमिंग वर्ड्स होते हैं जो कुछ सुनने में एक जैसे लगे वर्ड्स, यानी कि मान लीजिए आपको एग्जांपल दूं मैं, जैसे कि वेल्थ हेल्थ, तो मतलब ये एक जैसे लगते हैं ना, तो ये हमें वर्ड्स बताने, लेकिन कहाँ से, पोएम से। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए स्विंग थिंग वॉल ऑल ग्रीन ग्रीन नहीं, ये पेयर पेयर बताने यानी दो बताने हमें, एक ये, एक ये फर्स्ट पेयर एंड दिस इज सेकंड पेयर। ओके नहीं देखिए स्विंग थिंग नहीं होगा, ये वाला जो है ना ये नहीं होगा। तो पेयर कौन कौन से होंगे, वॉल ऑल ये एक पेयर, और ये ब्राउन डाउन ये सेकेंड पेयर हो गए हमारे टू पेयर्स। सो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, नेम द कलर्स मेंशन इन द पोएम। पोएम में जो भी कलर्स दिए गए हैं उन्हें मेंशन करो, कौन कौन से दिए गए हैं। देखिए हम पढ़ना शुरू करते हैं, ब्लू ग्रीन ब्राउन, बस ये तीन कलर दिए गए हैं, थ्री कलर्स, इनके नाम लिखने, ब्लू ग्रीन एंड ब्राउन। सो ये चाप, ये पोएम हमारी एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स के साथ ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।